एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब स्टडी गुरुजी में। आज की वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट है एचटेट वालों के लिए। तो एचटेट वालों के लिए भी भर्ती आ चुकी है, एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है और फॉर्म कब तक भर सकते हैं देखिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। एचटेट का शेड्यूल जारी, 10 नवंबर तक आवेदन, 2-3 दिसंबर को परीक्षा। यानी कि 10 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और 2 और 3 दिसंबर को आपका जो अभी एग्ज़ाम लिया जाएगा। वार्ड अध्यक्ष ने कहा सभी जिला मुख्यालयों पर होगी परीक्षा। तो जान लेते हैं भिवानी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 2 और 3 दिसंबर को होने वाली हरियाणा शैक्षणिक पात्रता परीक्षा एचटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सोमवार को बोर्ड परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि 30 अक्टूबर शाम 6 बजे से 10 नवंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यानी कि 10 नवंबर तक पोर्टल पर आप जो अभी आवेदन कर पाएंगे। इस बार एचटेट सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। इन परीक्षाओं में 3 लाख परीक्षार्थियों के बैठने की संभावना है। उन्होंने बताया कि एचटेट को नकल रहित कराने के लिए बोर्ड प्रशासन ने सीसीटीवी, बायोमेट्रिक जैमर सहित अन्य व्यवस्थाएं की है। प्रश्न पत्र पर क्यूआर कोड व हिडन फीचर्स भी अंकित करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को केवल 3 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक, लेवल 2 की परीक्षा 3 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे और वह लेवल 1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक होगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी यदि केवल 1 के लिए आवेदन करता है तो उसे ₹1,000 यानी कि फीस जो आपकी ₹1,000 रहेगी। लेवल 2 के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो ₹1,800 और तीनों लेवल के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो ₹2,400 शुल्क भरना होगा। आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों के फॉर्म की फीस आदि रखी गई है। अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, लेवल, विषय के चयन, जाति, वर्ग, दिव्यांग श्रेणी व गृह राज्यों में 11 से 12 नवंबर तक संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप पोर्टल पर शुरू होगा चैट बॉक्स। बोर्ड सचिव ने बताया कि शिक्षा बोर्ड की ओर से पहली बार चैट बॉक्स की सुविधा मुहैया करवाई है। यहाँ परीक्षार्थी एचटेट के फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी समस्या को बोर्ड प्रशासन के समक्ष रख सकता है। परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है। तो आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी है एचटेट वालों के लिए। आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, आने वाले दिनों में अब आपका एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।